राजधानी के राजस्थान विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में 1 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये प्रवेश प्रक्रिया 10 जून तक चलेगी और राजस्थान विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं जो विद्यार्थी अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि से जुड़ा हुआ है वो विद्यार्थी ऑफलाइन फॉर्म सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट के साथ जमा करवा सकता है। पीजी के लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का समय 1 से 10 जून तक रहेगा और उसके बाद पीजी विद्यार्थियों का एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। 1 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं और 10 तारीख तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो बच्चे अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का वेटेज ले रहे हैं, जैसे गेम्स है, स्पोर्ट्स है, NCC है, NSS है, स्काउट एंड गाइड है, ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका जिन्होंने वेटेज क्लेम किया उनको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके कॉलेज में जमा कराना है। जो बच्चे वेटेज क्लेम नहीं कर रहे हैं उनको कोई भी हार्ड कॉपी जमा कराने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में जाके। पीजी के एडमिशन्स के लिए भी एप्लीकेशन का जो है टाइम 1 से 10 जून है, उसके बाद जो है एंट्रेंस टेस्ट पीजी का होगा और पीजी के बच्चों का जो एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगा। सब पहली मेरिट लिस्ट जो है अंडर ग्रेजुएशन के लिए उम्मीद करते हैं कि 15 जून तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए।